हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे अंदाज में आज थी हम सब लोगों ने जो एक अजीब सलागर ने जो आपसे मुलाकात की, दुआ के अल्लाह पाक तआला इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन कह दें। अरे मुसलमानों, ये हरगिज सरकशी अच्छी अच्छी अरे मुसलमानों ये हरगिज सरकशी अच्छी नहीं, दुश्मनाने मुस्तफा से दोस्ती अच्छी है। बात है हर जगह तो दाहिना बाजू ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन आज मुसलमानों ये हर की सरकशी अच्छी है, दुश्मनाने मुस्तफा से दोस्ती अच्छी है। एक शेर सुन ले कि देख कर चेहरा नबी का इब्ने समरा ने कहा इससे आगे चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं, इससे आगे चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। और फुरकते शाहे उमर में रो के कहते थे बिलाल दूर रहकर मुस्तफा से जिंदगी अच्छी नहीं। तो रुतबा नबी का चांद सितारा समझ गया। मुश्किल में कौन देगा सहारा समझ गया। अफसोस कुछ मुसलमान उसे ना समझ सके, सूरज भी जिस नबी का इशारा समझ गया। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں نہ پڑھ سکا درود یہ ابو جہل کا مقدر تھا نبی کو دیکھ کر پتھر درود پڑھتے ہیں سارے سامعین ایک بار درود شریف کا ذکر کر لیں اور محبت سے بولتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا بھی بنا تبھی بنا قول بنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی قرآن و سنت ماہی کفر و ضلالت معمار ملت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ توجہ چاہوں گا اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ آگے فرماتے ہیں قرآن کو ایمان بتاتا انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جو حضرات بلا وجہ ادھر ادھر تفریح کر رہے ہیں اور انتشار کا ماحول برپا کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور پنڈال میں بیٹھ جائیں جلسہ آپ کا ہے کامیاب کرنا آپ کا کام ہے جلسے کو افراتفری کے ماحول سے بچائیے انتشار کے ماحول سے بچائیے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر نقیب اعظم ہندوستان حضرت قاری غلام گوش صاحب قبلہ کی اچھی ندامت میں آپ کا جلسہ کامیاب ہو رہا ہے اور آپ حضرت کی ندامت سے خود کو بلند و بالا کر رہے ہیں ایک بار محبت سے بول دیں یا حسین میں آپ کی سمجھ کو اور بلند و بالا کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہوں اور حضرت قاری غلام گوش صاحب قبلہ کی 100% توجہ کا مطالبہ کر رہا ہوں اس شعر پہ اور دیکھوں گا آپ کے اندر سمجھ کتنی توجہ چاہوں گا چار مصرے حیدر کے خاندان ارے باپ رے باپ
निचरा जरा हट के हैदर के खानदान, अरे बाप रे बाप, तवज्जो करना, सारे यजीदी मैदान करबला में मौजूद हैं। हजरत अली अकबर की यामा धोने वाली और सारे लोग मशवरा कर रहे हैं, जितने यजीदी सब मशवरा कर रहे हैं हैदर के खानदान, अरे बाप रे बाप, हौसला है चट्टान, अरे बाप रे बाप, दिल थाम के बैठिए एकदम, चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा, दिल थाम के, हैदर के खानदान, अरे बाप रे बाप, हौसला है चट्टान, अरे बाप रे बाप, और जवान अली अकबर को देख कर यजीदी में फरार, कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप, तवज्जो, कैसा है खानदान, अरे बाप रे बाप, तवज्जो करना। और मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, याद रखना, चार मिसरे सुनिएगा। तुम बुक्स के गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बुक्स की गाड़ी से उधर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत करबला है उधर क्यों नहीं जाते, और कुत्ते की तरह जीना तुम इस बात का जीना, मेरे हुसैन से बुक्स को दावत अब तुम मर क्यों नहीं जाते। कहते हैं भारत के सकते हुए मंदिर, ख्वाजा पिया के हुक्म की ताबीर नहीं है। कहते हैं भारत के सकते हुए मंदिर, बाजा पिया के हुक्म की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों को यहाँ हक के बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो चाहूंगा आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ रखते हैं, और भारत में गरीब नवाज के दीवाने मस्ताने चाहने वाले ऐसे खामोशों से सुनेंगे अच्छा नहीं लगता, एक बार मोहब्बत से बोलिएगा या रसूल अल्लाह, और औरंगाबाद से मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ, एक बार और बोलिएगा या रसूल अल्लाह, जो करना कारी कुरान को साबित करेले मिंबर, एक दिन में बैठकर मुताला कर रहा था, अचानक मुताला करते करते मेरे हाथ में किताब आ गई, किताब का नाम है जदीद साइंस। मैं सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, हैरत और इस्तेजाब के साथ इसके किस कपे को पढ़ने लगा, एक एक लाइन को पढ़ने लगा, एक एक पेज को पढ़ने लगा। हैरत की बात यह थी कि मैं जब किताब को पढ़ता चला जा रहा था, उसी में डूबता चला जा रहा था, अब मैंने आगे मुताले को जारी रखा, तो मैंने आलम तसव्वुर में तखय्युल में हिंदुस्तान के साइंसदानों की एक मीटिंग तलब की, एक मीटिंग का मुतालबा किया। अब हिंदुस्तान के जब साइंसदान बड़े बड़े अकलमंद जमा हुए, तो उसी में अमरीका का भी साइंसदान सर जोड़ कर बैठा, पाकिस्तान का भी साइंसदान सर जोड़ कर बैठा, नेपाल का भी साइंसदान सर जोड़ कर बैठा, इंग्लैंड का भी साइंसदान सर जोड़ कर बैठा, और ये जब सबरे बैठे, और इनसे मैंने सवाल किया, ये बताओ दुनिया का निजाम शमसी क्या है। अब दुनिया के निजाम शमसी से गुफ्तगू हुई, तो दुनिया के भी इत्तेफाक बड़े बड़े अकलमंद साइंसदानों ने कहा, मौलाना सूरज दुनिया में मुख्तलिफ जाविये पे तुलू होता है, मुख्तलिफ जाविये पे गुरूब होता है। मैंने कहा समझा नहीं, तफसील में जाओ और मुझे समझाओ। अब दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं, उन लोगों ने कहा मौलाना मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश की, अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज 40 से 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 80 या 82 डिग्री पे गुरु होता है। तवज्जो चाहूंगा, मुकाम दरगाह में आने वाले दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान हैं, मेरे सामने नक्शा पेश कर रहे मौलाना, अगर अफ्रीका में सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है तो इतनी डिग्री पे डूबता है, इराक में सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है तो इतनी डिग्री पे डूबता है, मक्के में सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है तो इतनी डिग्री पे डूबता है, नेपाल में सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है तो इतनी डिग्री पे डूबता है, पाकिस्तान में सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है तो इतनी डिग्री पे डूबता है, इंडोनेशिया में सूरज इतनी डिग्री पे निकलता है तो इतनी डिग्री पे डूबता है। जब बोलते बोलते भारत का नंबर आया था तो दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान हैं, अमेरिका के भी साइंसदान हैं, हिंदुस्तान के भी साइंसदान हैं, पाकिस्तान के भी साइंसदान हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े अकलमंद साइंसदानों ने मेरी इत्तेफाक कहा था मौलाना, हिंदुस्तान में जो सूरज निकलता है वो 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पे गुरूब होता है। मैं ठोकर मार के खड़ा हो गया, अबे जालिम फैसला कर ले, ये मेरा भारत है मेरा, कहा कैसे, हमने कहा 66 अल्लाह का आदत है, 92 मोहम्मद रसूलुल्लाह का आदत है, भारत में निकलने वाला सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह के लब निकलता है, शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह के लब डूब जाता है।
नारे रिसालत। तवज्जो से बोलिएगा, एक बार मोहब्बत से बोलिएगा, या हुसैन मैं नारा लगाता हूँ, मोहब्बत से बोलिएगा नारे हैदरी। मैं नारा लगा रहा हूँ, एक बार और बोलिए नारे हैदरी। तवज्जो चाहूंगा मिंबर नूर अहले मिंबर पर, तवज्जो चाहूंगा कारी गुलाम गोस साहब आपकी तवज्जो का, मैं बिल्कुल 100% तवज्जो का मुतालबा कर रहा हूँ। हजरत ये इंडियन का हाथ है, ये भारतीय का हाथ है, ये जब जब हिंदुस्तान में उठा है, भारत में इंकलाब पैदा हुआ है, इसी हाथों इन्हीं हाथों को गांधी ने उठाया, भारत में इंकलाब पैदा हुआ इन्हीं हाथों को पटेल ने उठाया, भारत में इंकलाब पैदा हुआ इन्हीं हाथों को अमीनुल्लाह खान ने उठाया, भारत में इंकलाब पैदा हुआ इन्हीं हाथों को फजले खैराबादी ने उठाया, भारत में इंकलाब पैदा हुआ इन्हीं हाथों को अशफाक उल्लाह खान ने उठाया, भारत में इंकलाब पैदा हुआ। आज भी इंकलाब पैदा होता है, तुम इन हाथों को बुलंद करते हो, तुमने देखा नहीं इलेक्शन का जमाना आता है, तुम अपने हाथों को उठाते हो, बटन पुश करते हो, किसी को एमएलए बनाते हो, किसी को एमपी बनाते हो, किसी को सीएम बनाते हो, किसी को असेंबली देते हो। सुनैदुल कादरी जंग के बिचोड़ पर आज मुकाम दरगाह से ऐलान करके जा रहा है, दुनियादार का नाम बरात उठा असेंबली मिल जाए, आमिना के लाल का नाम बरात उठा जन्नत की गली मिल जाए। मेरा वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं अपने तकरीर का इख्तिताम यहीं पे कर रहा हूँ। किसी ने कहा था हमारा है ये भारत, देखते रहना, रहेगी मेरे आला हजरत की हुकूमत, रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत, देखते रहना। और वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, बहुत मारेंगे इनको आला हजरत, देखते रहना। मेरे दी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी के सरबराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आप तायब होइए, मैं भी तायब होता हूँ, बड़ी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वा तुब इलैहि वा तवाबान अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।